हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं बाय बोलने के नए तरीकों के बारे में। सो अगर आप भी सीखना चाहते हैं बाय बोलने के नए तरीके तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आज हम 5 नए तरीके सीखेंगे बाय बोलने के। सो अगर आप जानना चाहते हैं तो लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले तरीके की। सबसे पहला तरीका है सी यू सून। इसका मतलब होता है आपसे जल्द ही मिलता हूँ। बाय की जगह आप इसको यूज कर सकते हैं। इसे सुन के सामने वाला समझ जाएगा कि आप बाय बोलना चाहते हैं, आप कहीं बिजी हैं। और अब हम बात करते हैं दूसरे तरीके की। दूसरा तरीका है नाइस टू मीट यू। इसका मतलब होता है आपसे मिलकर अच्छा लगा। इसको भी हम जब यूज करते हैं जब हमें किसी को बाय कहना होता है कि मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। इसे सुन के भी सामने वाला समझ जाएगा कि आप बाय बोलना चाहते हैं और आप बिजी हैं। और अब हम बात करते हैं तीसरे तरीके की। तीसरा तरीका है कीप इन टच विद मी। इसका मतलब होता है आप मेरे संपर्क में रहना। इसका यूज भी हम तभी करते हैं जब हमें किसी को बाय बोलना होता है। अगर आप किसी को बाय बोलना चाहते हैं तो आप बाय की जगह इसको भी यूज कर सकते हैं। इसे सुन के भी सामने वाला समझ जाएगा कि आप बाय बोलना चाहते हैं, आप बिजी हैं। और अब हम बात करते हैं चौथे तरीके की। चौथा तरीका है सी यू लेटर। इसका मतलब होता है मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। बाय की जगह आप इसको भी यूज कर सकते हैं। इसे सुन के भी सामने वाला समझ जाएगा कि आप बाय बोलना चाहते हैं, आप उनसे बाद में मिलेंगे। और अब हम बात करते हैं पांचवें तरीके की। पांचवा तरीका है हैड ए गुड टाइम विद यू। इसका मतलब होता है आपके साथ अच्छा समय बीता। आप बाय की जगह इसको भी यूज कर सकते हैं। इसे सुन के भी सामने वाला समझ जाएगा कि अभी आप जाने वाले हैं, अभी आप बाय बोल रहे हैं, आप उनसे बाद में मिलेंगे। आप इन सभी को यूज कर सकते हैं बाय की जगह पे। ये हैं वे 5 तरीके। आप बाय की जगह इनको यूज कर सकते हो, जिन्हें सुन के सामने वाले को भी बहुत अच्छा लगेगा। ये है हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पाथ फॉर सक्सेस। थैंक यू।